गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट महावीर स्वामी महावीर जयंती स्पेशल असेंबली एंड आई वुड लाइक टू कॉल मानसी फॉर द प्रेयर। गुड मॉर्निंग टू डायरेक्टर मैम, प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। आई मानसी फ्रॉम क्लास 8A। गेट रेडी फॉर प्रेयर। डियर गॉड, वी ओपन द डोर्स वाइड ऑफ आवर स्कूल एंड इनवाइट यू इन। प्लीज बी इन आवर लेसन एंड हेल्प अस टू कॉन्सेंट्रेट एंड लर्न। फिल अस विद हैप्पीनेस एंड वी डिस्कवर मोर अबाउट द वर्ल्ड। गाइड आवर क्रिएटिविटी टू एक्सप्रेस आवर सेल्फ इन आर्ट, म्यूजिक एंड मूवमेंट। Help us to share, care for and love one another. Watch over us and protect us as we run and play outside. Please come and be a part of everything we do today. Thank you. Thank you, Mansi. Now I would like to call Shreya Verma for the thought. Good morning, respected principal ma'am, teachers, parents and all my dear friends. I am Shreya Verma of class 7th. Today's thought is, स्वयं से लड़ो, बाहर दुश्मन से क्या लड़ना। वह जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसे आनंद की प्राप्ति होती है। थैंक यू। थैंक यू श्रेया फॉर द वंडरफुल थॉट। आई वुड लाइक टू कॉल वैष्णवी फॉर द प्रेजेंटेशन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज वैष्णवी साहू फ्रॉम क्लास 8A, प्रेजेंटेशन ऑफ महावीर। भगवान महावीर जैन पंथ के जो विश्व तीर्थकार हैं। भगवान महावीर का जन्म करीब 2500 वर्ष पहले वैशाली के गर्दन राज के क्षत्रिय कुंडलपुर में हुआ था। 30 वर्ष की आयु में महावीर ने संसार के विरक्त होकर राज वैभव त्याग दिया और संन्यास धारण करके आत्म कल्याण के पद पर निकल गए। 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसके पश्चात उन्होंने शंबश के ज्ञान प्रसिद्ध किया। 72 वर्ष की आयु में उन्होंने पावापुरी से मोक्ष की प्राप्ति हुई। इस दौर में महावीर स्वामी के कई अनुयायी बने, जिसमें उस समय के प्रमुख राजा ब्रह्मचार्य कुटनी और भी शामिल थे। जैन समाज के द्वारा महावीर स्वामी जी के जन्म दिवस को महावीर जयंती तथा उनके मोक्ष दिवस को धूमधाम से दीपावली की तरह मनाया जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस। थैंक यू वैष्णवी। नाउ आई वुड लाइक टू कॉल उज्जवल केसरवानी फॉर अमेजिंग फैक्ट्स। Good morning all of you. Myself Ujjwal Keshavani. I studied in class 8A. Amazing facts about Mahavir Jayanti. भगवान महावीर का जन्म एक राज परिवार में हुआ था। बचपन में भगवान महावीर स्वामी का नाम वृद्धमान था। उनके परिवार में ऐश्वर्य धन संपदा की कोई कमी नहीं थी। वे मन चाहा उपयोग भी कर सकते थे, परंतु युवावस्था में कदम रखते ही वे संसार की माया मोह सुख ऐश्वर्य और राज को छोड़कर सन्यासी हो गए। भगवान महावीर ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचार्य पर सबसे अधिक जोर दिया। त्याग और संयम, प्रेम और करुणा, शील और सदाचार ही उनके प्रवचनों का सार था। भगवान महावीर ने श्रमण और श्रमणी, श्रावक और श्राविका सबको लेकर चतुर्विध संघ की स्थापना की। उनका मानना था कि जीवन एक ही लक्ष्य होना चाहिए, वह है सम्मानता। देश में भिन्न भिन्न भागों में घूमकर भगवान महावीर ने अपना पवित्र संदेश फैलाया। यदि हम भगवान महावीर के उपदेशों को सच्चे मन से पालन करने लगे और यह जान लें कि संसार के सभी छोटे बड़े जीव हमारी ही तरह हैं, हमारी आत्मा का ही स्वरूप है, तो हमारा जीवन सफल हो जाए। जैन धर्म की मान्यताओं के अनुसार वृद्धमान ने कठोर तप द्वारा अपनी समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर विजेता कहलाए। इंद्रियों को जीतने के कारण उन्हें जितेंद्र भी कहा जाता था। यह कठिन तप पराक्रम के समान माना गया, इसलिए वे महावीर कहलाए। उन्हें वीर, अवतीर और सम्मति भी कहा जाता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
Thank you, Ujjwal. Now, I would like to call Shreya Verma. Yes, ma'am. Okay. Now, your turn to pledge. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. I love my country and I am proud of its rich and varied heritage. I shall always strive to be worthy of it. I shall respect my parents, teachers, and all elders, and I shall treat everyone with courtesy. To my country and my people, I pledge my devotion. In their well-being and prosperity alone lies my happiness. जो सबसे बड़ी हमें एक बहुत बड़ा लेसन सिखाती है वो है सबको सम्मान देना, सबको समान तरह से रखना. सारे बच्चों से यही आशा करूंगी कि अब से वो सबको समानता के साथ अधिकार में रखेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.